मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। थाने जिले के मुमरा से मैं हूं अफजल शेख। खबर की शुरुआत करेंगे, इस साल मास्क ना लगाने वालों से बीएमसी ने टोटल जो फाइन कलेक्ट किया है उसकी तादाद है 40 करोड़ रुपए। अगर हम बात कर ले जाएंगे आंकड़े की, तो अप्रैल 2020 से लेकर के 21 मार्च 2021 तक का 20 लाख लोगों पर मास्क ना लगाने पर जुर्माना वसूला गया है। और अगर मास्क के नाम पर जो आपको बता दे, वसूली जो थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन 20 लाख लोगों में से कलेक्ट किया गया है फाइन, उनकी टोटल रकम है 40 करोड़ रुपए। यानी आप सोच सकते हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाते उन लोगों से जो है 20 लाख लोगों से अब तक फाइन ले लिया गया है। अगर बात कर ली जाएंगे हाल ही की कोरोना की, तो कोरोना के मामले जो है तेज़ी से महाराष्ट्र में बढ़ रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ रहे हो। अगर बात करें सिम्टोमेटिक्स की भी, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे। और बात कर ली जाए टोटल आंकड़े की, तो महाराष्ट्र में 24 लाख से ज़्यादा जो है केसेस अब तक एक्टिव चल रहे हैं। और बात कर ली जाए, यानी आप सोच सकते हैं महाराष्ट्र में जो है कोरोना के जो जिस तरीके से प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ में मास्क लगाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। और बता दें, इसमें भारी मात्रा में जो 40 करोड़ रुपया वसूला गया है मास्क के नाम पर, अब इसे किस तरीके से क्या बजट में यूज़ किया जाता है। और बहरहाल मास्क की बात करें, तो बीएमसी ने बताया है कि 40 करोड़ रुपया जो है अब तक 20 लाख लोगों से वसूला गया है। इसके लिए हम भी कहते हैं कि हाल ही के दिन वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, कि जो लोग हैं वो किस तरीके से मास्क ना लगाते हुए घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, उन लोगों से जबरन जो है वसूली किया जा रहा है। अगर बात करें, इससे पहले भी हमने खबरों में आपको दिखा चुके कि रोका जाता है और धांधली किया जाता है, लेकिन देखते हैं कि क्या इस तरीके से जो है फाइन के नाम पर वसूली चलते रहती है। और बीएमसी के आंकड़े की बात करें, तो ये 40 करोड़ रुपया जो वसूला गया है मास्क ना लगाने वालों से, इसको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में पूरा अपडेट देंगे हम कोरोना से जुड़ा हुआ, और ऐसे ही जो भी अपडेट बीएमसी से निकल करके आता है हम बता देंगे। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।